था लेकिन 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 उसने फिर भी मेरी बच्ची को मार डाला। शाबाश। दूसरों के बीच में आने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। मेरा बना बनाया खेल, मेरे खेल को बिगाड़ने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और जानती हो वो कीमत क्या है? उस कीमत को चुकाने के लिए तुम सबको अपनी जान देनी पड़ेगी, सबको अपनी जान देनी पड़ेगी। कौन हो तुम? मौत से उसका नाम नहीं पूछा कर, मौत तो सिर्फ मौत होती है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है इसलिए सोच रही हूँ अपना नाम बता ही देती हूँ। मैं वो हूँ मामूजान जिसने आसमान का सीना चीर कर अपना नाम खुद लिखा। कहने को तो एक बेबस बेचारी लड़की थी जिसके अब्बू ने उसकी उसकी शक्ल तक देखना मुनासिब नहीं समझा। और माँ, माँ ने तो पैदा होते ही बेच दी। जब से दुनिया को जाना है दुनिया ने सिर्फ मुझे बेबसी लाचारी इस सब के अलावा और कुछ नहीं दिया। लेकिन क्या करूं मामू जान, हूं तो मैं भी खुददार, किसी का उधार कभी नहीं रखती। इसीलिए जो दुनिया ने दिया है ना उसे बस वापस करने जा रही हूँ मैं। फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं ना कि आखिर मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, तो सुन लीजिए। मेरा नाम है शशि कपूर। मेरा नाम है शशि कपूर। शशि कपूर। शशि कपूर। आपने बिल्कुल सही पहचाना मामूजा, मैं वही शशि कपूर जिसे आपका बेटा पागलों की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन जिसे आज तक हवा तक नहीं छू पाई, उससे छीने की आपके बेटे की क्या औकात है? एक बार मिलने को तो खुदा भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं मिलती। दोनों मुल्क की पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही और मेरा चेहरा देखने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं रहा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों का क्या अंजाम होने वाला है। अब आप सबको भी मरना होगा एक एक कर। तो शायद का वहम गलत नहीं था, मेरे बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन जिंदा है और तुम जिंदा नहीं रहोगे। कहाँ जा रही हो? एक औरत होकर इतनी गिरी हरकत करते हो, औरत के नाम पे दबाओ तुम। पर तुम जैसे लोग औरत की आजादी के नाम पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और जब कोई औरत कुछ करना चाहती है ना तो वो मचाने लगते हैं, हिलना मत। जी माफ करे, वो लड़की यहीं पर है बिल्कुल मेरे सामने।
तुम लोग एक काम करो, तुम लोग भी सीधा यहाँ पर आ जाओ, हमें वो सेफ से फाइल निकालनी है। और देखो सारे टूल्स भी लेते हुए आना, हो सकता है कि वो सेफ हमें तोड़नी पड़े या फिर यहाँ से उठाकर ले जानी पड़े। वो फाइल किसी भी कीमत पर चाहिए मुझे, ठीक है? तुम्हारी दुश्मनी शाद से है ना? शाद के अब्बू से नहीं है ना? मुझे उनके पास आना। लेकिन एक कहावत नहीं सुनी, अपनों के गुनाहों की सजा अपनों को ही चुकानी पड़ती है, शाद के गुनाहों की सजा उसके अब्बू को ही चुकानी पड़ेगी, तभी तो शाद को पता चलेगा कि शशि कपूर से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। वैसे सच कहूं तुम्हारे साथ ये चूही बिल्ली का खेल खेलने में बहुत मजा आया, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। वैसे भी वक्त तो वक्त ही होता है ना, अच्छा हो या बुरा हो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। अब देखो ना ये भी वक्त खत्म होने वाला है, आज देखना एक एक की लाश गिरेगी। अच्छा चलो तुम बताओ, पहले तुम्हारी, तुम्हारी फूफो की या फिर तुम्हारे प्यारे अब्बू जान, बताओ किसे मरना है, तुम्हें मारू पहले या तुम्हारी फूफो को मारू? पागल हो, किसी की जान लेना कोई खेल है? होश में आओ, तुम किसी को नहीं मारोगी सकती हो। ओहो जन्नत, क्या हो गया, क्या हो गया? तुम्हें लग रहा मैं मजाक कर रही हूँ? समझ में आया, मजाक नहीं हकीकत है। अरे अम्मी जान आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको तो अभी अपनी बेटी के गुनाहों पर पर्दा भी डालना है ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और हाँ, आपको आपके घर वालों के पास पे इत्मीनान से पहुंचा दूंगी, बस तब तक थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। वो क्या है ना, हम जासूस लोग हैं, ना कोई सबूत छोड़ते और ना ही कोई गवाह। आने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको, संगे मरमर सा तराशा हुआ बदन, ये चांद सा चमकता चेहरा, आज तो पूरी दुनिया को मेरी किस्मत से जलन होगी। आपके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं तो कहता हूँ आयल को रास्ते से हमेशा के लिए हटा के हम दोनों एक हो जाते हैं। आप बनेंगी बेगम साहिबा और मैं बनूंगा नया नवाब। ये आप क्या कर रही हैं? चांद की ख्वाहिश कर लेने से चांद झोली में आकर नहीं गिर जाता। कभी भी गलती से ये बात अपनी जुबान पर मत लेकर आना कि ये बच्चा तुम्हारा है, समझे? आहिल जी का नाम इस बच्चे से जुड़ा है, ये आहिल जी का बच्चा है।
ये मत भूलो कि ये जो नवाब बेगम की शान है ना, ये उसके शौहर के दम पे। आहिल जी है तो मैं हूं, इसीलिए आहिल जी को तो जिंदा रहना पड़ेगा। वो बात अलग है कि उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और ये नवाब बनने का ख्वाब भूल जाओ, समझे? लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत तो मैं भी करती हूं, लेकिन सिर्फ अपनी जरूरतों से। इससे पहले कि तुम मोहब्बत के आसमान में उड़ो, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे पर काट देने चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी सगाई नासिया के साथ। माफ करें, लेकिन अब मैं नाजिया से निकाह नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ जो भी किया वो सिर्फ एक जल्दी पैसे कमाने का जरिया था, और मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता। तुम्हारी पसंद? मोहरा कभी भी अपनी पसंद की चाल नहीं चलता। वो क्या है ना, आजकल हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। अब यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ, इसलिए तुम भी वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कह रही हूं। तुम्हारा निकाह नाजिया के साथ ही होगा, तो चाहे तुम सुहागरात मेरे साथ ही क्यों ना मना लो। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको मैं हासिल करके रहूंगा। अबू संभल के, वो मैंने बिठाएंगे। आप तब जन्नत, तुम्हारे और मेरे बीच ये दरवाजा ना तुम लोगों को चंद सांसें जरूर दे सकता है, लेकिन तुम लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकता। याद रखना चाचा, वहीं बैठो तुम, मैं वहीं आकर तुम लोगों को मारूंगी और वो फाइल भी यहां से लेकर जाऊंगी। याद रखना। चूहे को बिल में रहने का बहुत शौक है, तो वही इनका शिकार करेंगे। एक काम करो, जाकर सारे तार काट दो, फोन के जितने भी तार हैं सारे काट जाओ। लेकिन किसी के पास अगर मोबाइल फोन रहा तो? अरे नहीं है, जाओ तो। अब अपना फोन दीजिए, मैं शाम को फोन करती हूँ, जल्दी फोन दीजिए। फोन नहीं है मेरे पास बेटा, तुम जब चिल्लाई थी तो मैं फोन लेकर नहीं आया था तुम्हारे पास। अबू फोन नहीं मिल रहा शाह का। फोन की लाइन काट दी होगी। वो दरवाजा तोड़ दे। लेकिन मैंने तुम्हें आज तक कभी बेवकूफ नहीं समझा। ये बात तुम कह रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी पागल हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है, अब तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा, समझ में आया?
ये किस्मत भी कितनी खुदगर्ज चीज है, कभी दिल देती है तो कभी डरते दिल। अजीब खेल है इसका, ये नई सनम के मनहूस शायक मुझसे सिर्फ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ही दूर कर सकती, लेकिन किस्मत ने मुझे तुमसे अलग कर दिया सर। लेकिन तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, मेरा साथ हमेशा निभाओगी, तो फिर अपने आयल को छोड़कर क्यों चली गई तुम? तुम्हारे बगैर ये जिंदगी बोझ लगने लगती, मन करता है कि इस बोझ को उतार कर फेंक दूं, दिल करता है कि कहीं दूर दूर चला जाओ सनम, कहीं बहुत दूर चला जाओ। मुझे मारने के मंसूबे बना रहे थे क्या? नहीं, हमारे हनीमून के बारे में सोच रहा था। हाय अल्लाह, आज तो कोई मेरी जान भी ले ले तब भी मुझे गम नहीं होगा। आप परेशान मत होइए, हम पेरिस जा रहे हैं, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, वीजा टिकट सब हो गया। अब सिर्फ आप और मैं होंगे, पूरी दुनिया से दूर एक दूसरे की बाहों में। वो जो जो मैं बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई, मैं आपसे माफी मांगने आई थी। वो मैं जानती हूँ एक बीवी को अपने शौहर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बात? वो नाजिया है ना, नाजिया माँ बनने वाली है, क्या पट्टी बांध देती हूँ, तब अब तब सांस लो। ये दरवाजा टूट क्यों नहीं रहा? मुझे लग रहा है कि शायद ये दरवाजा खास तरीके से बना, दिखने में तो शीशे और लकड़ी का ही है पर ये दरवाजा नहीं टूटा। तो स्नेह तक मैं पहुंची नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि तुमसे एक डील क्यों ना कर लूं, तुम मुझे इस कमरे के अंदर आने दो और मैं तुमसे वादा करती कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस बस वो फाइल लेकर चली जाऊंगी। सुन रही हो ना, मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ हम ये डील करते हैं कि तुम मुझे अंदर आने दो और वो फाइल लेने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही अब्बू को, ना ही मेरी प्यारी अम्मी को।